हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में अगेन रिजल्ट आए दो तीन कंपनीज़ के, इंडसइंड बैंक, ओके, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट यूनियन फाइनेंस कंपनी के और रिलायंस, इन तीनों के रिजल्ट हैं। इन तीनों से रिजल्ट के रिलेटेड बातें करेंगे, ओके, जानेंगे कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं। और आप बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अभी यहाँ पर एक मैरिको अतुल लिमिटेड के रिजल्ट आए, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हुई है। रामको सिस्टम एक शेयर है, विजय केडिया सर का फेवरेट है और बहुत मतलब मल्टीपैगर रिटर्न साबित हुआ है एक साल में, तो इस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता ही है कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप दान दे सकते हैं, ओके, इफ़ यू आर एलिजिबल कि हाँ आप, तो आप यहाँ पर जाके दे सकते हैं। यहाँ पर लिंक है पीएम केयर फंड में, एज वेल एज़ कहीं आपको आसपास अपने लोकेलिटी में अगर कोई नीडी बन दिखता है तो उन्हें एटलीस्ट फूड की मदद डेफिनेटली कर दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर और लिंक है, अगर आपके ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं, यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं श्रीराम सिटी यूनियन, ओके, यहाँ पर रिजल्ट है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है इन्होंने 13 रुपये का, ओके, तो यहाँ पर 13 रुपये का आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कब विल बी एलिजिबल मेंबर ऑन और आफ्टर, मतलब या तो इस डेट या इस डेट से पहले आपको ये मतलब आपको ये शेयर डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कब, 17 अगस्त 2021। तो अगर आगे अगर हम और भी यहाँ पर इनके रिजल्ट देख लेते हैं, तो ये का क्या काम करती है, ऑब्वियसली बात है फाइनेंस, तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट है, ओके, इन लैक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लास्ट Q4 के, ये अभी के Q3 के, ये अभी के रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सीधे, जल्दी जल्दी करेंगे, अदरवाइज वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। आप ब्रीफ में एक बार अपने हिसाब से खोल के ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है, यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम जो इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, या फी एंड कमीशन इनकम, नेट गेन एंड फेयर वैल्यूज़, यहाँ पर जो भी है टोटल में अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात करते हैं, तो 1,48,417 लाख रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू हुआ है, जो कि लास्ट टाइम 1,43,000 था। और लास्ट क्वार्टर Q4 की बात करें तो 1,44,951 लाख रुपीज़ था। तो अगर अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल इनकम की, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अदर इनकम वैसे कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप है टोटल इनकम में। एक्सपेंस ऑब्वियसली बात है, कोई कंपनी काम कर रही है तो एक्सपेंस भी होता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम एक्सपेंस देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के एक्सपेंस 1,09,781 है, लास्ट टाइम के 1,05,442 थे। और इस लास्ट Q4 की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, 1,24,719। तो एक्सपेंस में क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कमी है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर ज़्यादा है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर टोटल एक्सपेंस कम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ओके, और जो जिसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इम्प्रीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव में है, इस वजह से यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंस कम आ रहा है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इम्प्रीमेंट यहाँ पर लिया गया है, जिसकी वजह से 11,000 लाख रुपीज़ के थे, जिस वजह से यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होता हुआ नजर आया। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये 28,208 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर 27,970 था। और बात करें क्वार्टर लास्ट पहले की बात करें Q4 की, तो 15,308 था, जो कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस की वजह से और जो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट हुए थे उसकी वजह से। तो प्रॉफिट की बात करें, तो अभी तक का अभी जो प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा होता हुआ नजर आया, क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस। क्वार्टरली बेस पर बात की जाए तो इतना खास नहीं है, लगभग एवरेज ही है, सेम ही यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें की बात कर ले, EPS की अगर हम बात कर लेते, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस बार का EPS 42.73 है, लास्ट क्वार्टर का 42.38 था, और उससे पहले की बात करें 23.19 यहाँ पर EPS हमें नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एडजस्टमेंट हुए हैं, तो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर फ्लैट रिजल्ट है, कोई इतना क्वार्टर ईयरली बेस पर ठीक है, बट क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर कोई खास यहाँ पर इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दिग्गज कंपनी रिलायंस, रिलायंस के भी रिजल्ट हुए। और अगर बात करें, यहाँ पर डिविडेंड भी दिया गया है, कितना, 7 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड है, जो कि आप देख सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ 10, जिसका हमें 7 रुपये आपको
डिविडेंड मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 70% यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर रिजल्ट्स देख लेते हैं इस कंपनी के, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देख लीजिए ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ओके, और 31 मार्च ये इन करोड़्स में ही ये सारे के सारे रिजल्ट आपको नजर आएंगे। ये लास्ट Q4 के, ये Q3 के, और ये इस बार के Q4 के रिजल्ट हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकम की, तो यहाँ पर देख लीजिए इनकम वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज ओके, GST रिजर्व रिकवर्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये सब चीज़ मिला के अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम, तो यहाँ पर अभी का जो टोटल इनकम है 1,58,133 करोड़ इन रुपीज़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,28,450 था। और अगर बात करें Q4 की, तो यहाँ पर लास्ट ईयर के Q4 की 1,43,416 था। तो ईयरली को एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी यहाँ पर जंप हमें नज़र आ रही है ओके। और जंप किस वजह से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो काम ये करती है, बिजनेस जो करती है, जियो के बिजनेस है, एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर अलग अलग इनके बिजनेस है, तो ऑयल का बिजनेस है, जियो का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, तो अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के जो एक्सपेंस होते हुए, टोटल एक्सपेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देख लिए 1,42,562 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट टाइम 1,13,422 था, और उससे पहले अगर Q4 की बात करें 1,29,897। तो एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नज़र आया है, जो कि अच्छी बात नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। एक्सपेंस पर अगर कंट्रोल कर ले तो प्रॉफिट हमें अच्छा खासा यहाँ पर जनरेट होता हुआ नज़र आता है। बट यहाँ पर एक एडजस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल गेन है जो 797 का है हमें होता हुआ नज़र आया, जो लास्ट टाइम यहाँ पर माइनस में यहाँ पर एक्सेप्शनल गेन था। और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर 14,995 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्वार्टरली बेस पे अगर हम देखें तो लगभग फ्लैट ही है। इस लास्ट टाइम भी इतना 14,894 करोड़ रुपीज़ था, और इससे पहले 6,546 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ। तो एनुअली बेस पे तो अच्छा खासा जंप है, लगभग 2 point something कह सकते हैं एक्स यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एकदम फ्लैट हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी हुए है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर कर मतलब देखना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट Q4 की बात करें, यहाँ पर एक्सेप्शनल यहाँ पर लॉस दिखा रखा है ओके, यहाँ पर इस बार गेन दिखा रखा है ओके। और अगर बात करें यहाँ पर और कुछ एडजस्टमेंट, तो टैक्स वगैरह तो इस बार कम था, लास्ट टाइम इसका टैक्स ज़्यादा था, तो ये सब चीज़ का यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर EPS देख लीजिए, तो कंपनी का जो EPS है ओके, यहाँ पर बेसिक EPS आफ्टर एक्सेप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लगभग 20.52 का यहाँ EPS इस बार है, उससे पहले 20.33 था, और अगर लास्ट Q4 की बात करें तो 9.95 था। तो मतलब रिजल्ट इनके क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट है, बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश होते हुए नज़र आए हैं ओके। अगर हम सेगमेंट वाइज भी अगर आप देखेंगे, तो आप नीचे जाके यहाँ पर दे रखा होगा सेगमेंट वाइज कि यहाँ पर सेगमेंट मतलब इनके जो तीनों बिजनेस से यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना पड़ेगा, इनकी पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर जो इन्होंने रिजल्ट पेश करे हैं ओके, आपको यहाँ पर बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर सब चीज़ पता चल जाएगी ओके। यहाँ पर आपको और भी नीचे जाना पड़ेगा ओके, तो आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए हाँ ये दे रखा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेगमेंट ऐसे। तो अगर बात करें O2O बिजनेस, जो कि इस बार सोच रहे थे कि अच्छा खासा ऑयल और इनका गैस से जो बिज़नेस हुआ है वो अच्छा खासा होता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इस बार का जो बिज़नेस O2C मतलब ऑयल टू केमिकल है, तो 3,58,000 ओके ये भी करोड़ में ही दे रखा है, 964 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इनका रेवेन्यू होता हुआ नज़र आया है ओके। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 3,60,000 था,
और इससे पहले बात करें 367, तो अगर बात करें तो इस बार कुछ खास बिजनेस बल्कि कमी होता हुआ नजर आया है, बल्कि एक्सेप्शन था। मतलब सोच रहे थे, एनालिस्ट भी सोच रहे थे कि इनका O2C बिजनेस जो है वो इस बार ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा, जो कि हमें कुछ जागरदा होता हुआ नज़र नहीं आया है। अगर यहाँ पर देख लीजिए, ऑयल एंड गैस से लगभग 35,000, जो कि ईयरली बेसिस कम है बट क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर ऑयल टू केमिकल देखते हैं, वो क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पे कम है। अगर रिटेल का भी बिजनेस यहाँ पर देखते हैं, तो रिटेल का बिजनेस तो बिल्कुल लगभग क्वार्टरली बेसिस पे तो फ्लैट है, बट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप है, यहाँ पर देख सकते हैं। और रिटेल का बिजनेस आपको बताइए आगे चल के अच्छा खासा ग्रिप पकड़ने वाला है। डिजिटल सर्विसेज, जो कि आप कह सकते हो कि जियो, तो जियो की आप बात कर ले, तो जियो का ही एक इनका बिजनेस है जिनसे इनका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है। और आई थिंक 42 करोड़ यहाँ पर इंडियन जियो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3,05,965 इन रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाँ, अच्छा खासा ज़्यादा नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल सर्विस से इतना इनका आया 80,000, जो कि कम है, और ईयरली बेसिस तो कम ज़्यादा है बट क्वार्टरली बेसिस कम है। अदर्स जो इनकम इनकी हुई है वो यहाँ पर ज़्यादा होती हुई नज़र आई है। तो इतना कुछ खास इनका रिजल्ट पेश नहीं हुआ है, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा खासा बिजनेस है, ऐसा कुछ भी इन्होंने रिलायंस ने नहीं हुआ है, बस ₹7 का आपको डिविडेंड दे दिया है, तो आप इस बात को देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक ने भी आपको ₹5 का डिविडेंड दिया है, और इसके भी अगर हम रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं तो हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कितने इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट है, थोड़ा यहाँ पर इनकी शायद कुछ खास इतना देने प्रिंट नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के, Q3 के इस बार के, और Q4 के रिजल्ट इस बार के रिजल्ट है यहाँ पर है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम, ओके, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम बैलेंस विद रिजर्व बैंक से, जो इनका बैलेंस होता है वहाँ से जो आती है इनकम एज ए इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आप देख लेंगे टोटल मिलाएंगे, और यहाँ तो अदर इनकम वगैरह सब चीज़ मिला के, तो टोटल इनकम इस बार हुई है 9,19,971 और लास्ट क्वार्टर में थी 8,88,728 और इससे पहले 9,15,880। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर जंप है, थोड़ी बहुत जंप है, जो इतनी खास जंप नहीं है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर लैक्स में ही यहाँ पर कह सकते हैं, लैक्स तो नहीं, लगभग अगर बात की जाए तो लगभग 35,000 या 34,000 के लगभग यहाँ पर जंप नज़र आती है। अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं टोटल एक्सपेंस यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम, हाँ, तो ये टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग, ओके, प्रोविजन, यहाँ पर प्रोविजन को एक्सक्लूड किया हुआ है, इस बात को देखना, ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए 6,07,104 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर इस बार का यहाँ पर एक्सपेंस है, उससे पहले 5,92,000, उससे पहले 63,000। तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस पे तो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम बात कर लेते हैं, ओके, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम यहाँ पर देख लीजिए, प्रोविजन भी देख लेते हैं कि इन्होंने प्रोविजन कितना किया, तो देख लीजिए प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी यहाँ पर देख लीजिए, प्रोविजन लगभग 1,86,569 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 185 था, जो बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि ना के बराबर ही कह सकते हो। बट अगर बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस प्रोविजन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उनके लिए सिर पर तलवार केवल एक ही लटकी रहती है, वोडाफोन, वोडाफोन को इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर कर्ज दे रखा है। अगर नेट प्रॉफिट, ओके, यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर एक्सेप्शन वगैरह सब चीज़ घटा घुटू के, ओके, और टैक्स वगैरह देने के बाद जो उनका प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है, यहाँ पर 92,622 है, लास्ट क्वार्टर में 83,000 था, उससे पहले 31,000 था, जो ईयरली बेसिस पे तो देखिए मतलब 3x होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग यहाँ पर 9,000 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छे खासे इनके रिजल्ट आए हैं ईयरली बेसिस पे, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। अगर बात कर लेते हैं EPS, तो EPS इस बार का 12 रुपये 11 पैसे का है, इससे पहले 10 रुपये 97 पैसे का था, और ईयरली बेसिस पे बात करते हैं 4 रुपये 55 पैसे का ही EPS था। EPS के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि रिजल्ट किस तरीके से। अब बात कर लेते हैं NPA, क्योंकि NPA मेन इंपॉर्टेंट रखते हैं,
ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो अगर हम परसेंटेज अगर हम लैक्स इन रुपीज़ में देख लेते हैं तो 5,79,499 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एनपीए है, उससे पहले 3,65,000 का था, और इससे पहले अगर ईयरली बेसिस पे बात कर ले तो Q4 में 5,14,674 था, जो ईयरली बेसिस पे तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंप नज़र आ रही है, तो एनपीए यहाँ पर इनके बढ़ते हुए नज़र आए। नेट एनपीए भी अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 1,47,657 लैक्स इन रुपीज़ यहाँ पर नेट एनपीए है, जो Q4 में Q3 में 46,000 था, उससे पहले 1,88,000 था, तो ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है नेट एनपीए में, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर बहुत मतलब अगर बात करें लगभग तीन गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा था, बल्कि 3x से भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से भी आप देख सकते हैं नेट एनपीए में थोड़ी बहुत गिरावट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट बढ़े हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जम मतलब ईयरली बेसिस कम है और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर नेट एनपीए है। तो मतलब एनपीए का अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो एनपीए यहाँ पर बढ़ते हुए इसके नज़र आए हैं, तो अच्छी जो कि अच्छी बात नहीं होती। बाकी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और ये इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा इसकी वॉलीटिलिटी देख लीजिएगा, और अगर बात करें यहाँ पर एक साल का चार्ट पैटर्न तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिएगा कि ये यहाँ पर चल रही थी कंपनी 2018 में और आज की डेट में यहाँ पर ये केवल इसके हाफ रह गया है इसका शेयर। इनके ऊपर जो लोन दे रखा है वो सबसे ज़्यादा मेन है, जो कि इन्होंने वोडाफोन को दे रखा है, वहाँ पर उन्होंने चुकाया वोडाफोन का लोन, ने लोन चुकाया है इनका, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये शेयर दोबारा गिरफ्त करता हुआ नज़र आएगा। बाकी ये यहाँ पर अगर वॉलेटिलिटी एक साल में देखोगे तो भागता हुआ गिरता हुआ काफ़ी नज़र आता है, यहाँ पर टॉप पर गया फिर गिरता हुआ एज लाइक अदर शेयर। बट अगर बात करें दूसरे शेयर की HDFC कोटक बैंक, तो आप देखिएगा कि वो अपने जो पेंडेमिक में गिरे थे उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। श्रीराम यूनियन अच्छा यहाँ पर अच्छा लगता है, बट इसके रिजल्ट कुछ खास नहीं है। रिलायंस के भी रिजल्ट कुछ खास नहीं है, मतलब एवरेज ही रिजल्ट आए हैं। ओके, O2C बिजनेस से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी जो कि खरी नहीं उतरी। बाकी इंडसियन बैंक के भी रिजल्ट NPA के रिजल्ट अच्छे आए, बट NPA यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। तो यही सारी बातें थी इसी चीज़ से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।